21 में बात हो रहा है कि देखने का रीजन क्या बना। हजरत हाजिरा सफा और मरवा के दरमियान में सात चक्कर का छोटा बच्चा था, बियाबान जंगल था, मां की मोहब्बत थी, पानी को भी तलाश करना था और बेटे के लिए खबर रखनी थी। एक मरतबा दौड़ती पानी तलाश करती, सफर से दौड़ती मरवा तक, मरवा की पहाड़ी पर देखती कहीं पानी तो नहीं है, फिर वापस दौड़ती बेटे को देखती बेटा तो भी वहीं मौजूद है, छोटा बेटा है, कहीं इसे को जिंदा ना ले जाए, कहीं इसे को भेड़िया ना काट ले, कहीं तो और जानवर का ऐसे उठा के ना ले जाए, एक सहारा है मेरा ये भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो मुझे ईमानदारी से बताओ सुना लो कितना कठिन दौर होगा उस अल्लाह की बंदी पर, वो जो पीरियड उसका गुजरा होगा उनका वो कितना मुश्किल तरीन होगा, खाने के लिए नहीं है, बच्चा प्यार से तड़प रहा है, गर्मी शिद्दत की है, भेड़ियों का डर है, शेर का डर है, बड़े बड़े जंगलों का डर है और कोई खाने पीने का रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, दुकान तक नहीं है, छत ऊपर नहीं आज काम गुजारी, तो कितना मुश्किल दौर होगा। हम आज के दौर की तरफ थोड़ा सा आते हैं, अल्लाह ने कितनी नियमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह की उस बंदी ने ना नमाज छोड़ी, ना नमाज तर्क हुई, ना तस्बीहात में कमी पेश आई, खाने के लिए नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र बचा ला रही है, रहने के लिए मकान नहीं है, नमाज वक्त पर कायम है, रहने के लिए छत नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्लाह के तस्बीहात और तहलीला हम तो सना अल्लाह की बंदी के जुबान के ऊपर जारी है। आज हम थोड़ा मुआजना करें, हमें छह छह महीनों के लिए हमारे घरों में खाना है, फजर कज़ा हो जाती है, साल भर के लिए हमारे पास दौलतें मौजूद हैं, ज़ोहर कज़ा हो जाती है, सालों साल के लिए दस दस अफराद का गला हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हमें नमाजों की कोई परवाह नहीं। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर पर का होगा, हिसाब और किताब का दिन होगा, बताओ ऐसे अंबिया इकराम जब वहां मौजूद होंगे, ऐसे अंबिया इकराम की अज़वाज मुत्तहरात वहां मौजूद होंगी, जब हिसाब और किताब लिया जाएगा कोई बहाना कर सकेगा मेरी औलाद ज्यादा थी, कोई बहाना कर सकेगा कि मैं उस दौर में था महंगाई ज्यादा थी, कोई बहाना कर सकेगा कि हमें अखराजात ज्यादा थे, हम कारोबार में लगे रहे, अल्लाह तेरी नमाज नहीं पढ़ सकी, कोई बहाना है हमारे पास। अल्लाह ने अंबिया को इसीलिए आजमाया ताकि उनकी कौमों को रहने का, सहने का, दुनिया में जिंदगी गुजारने का एक सलीका मिल जाए, एक तरीका मिल जाए, जब उन्हें परेशानी हो तो वो अपने अंबिया की तारीफ को पढ़े कि अब परेशानी में अंबिया ने जिंदगी कैसे गुजारी, जब भूख लगे तो सब्र कैसे किया, अंबिया की तारीफ को पढ़े, अंबिया को भेजा इसीलिए जाता है रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए, तब से जिंदगी गुजारने के सब को असबाब को बयान करने के लिए, सिखाने के लिए। तो मैं जाता हूं फिर उस पर सात चक्कर काटे, सात चक्कर काटने के बाद जब सातवा चक्कर काटा पलट कर देखती है तो एक चश्मा जहां बेटा प्यास की शिद्दत में टाऊ रगड़ रहा था तो टाऊ की एड़ी से एक चश्मा जारी है, तो हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशी की इंतहा न रही, फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदकाए शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा करम है, तूने सुभान रब्बी अल आला, मालिक की रिजात पाक है, आला है, हम अदना थे तूने हमारे ऊपर करम किया, हम तन्हा थे तूने हमारे ऊपर फजल फरमाया, हम बियाबान जंगल में थे, पानी हमें इस जंगल की वाकिफियत ना थी, हमें ये मालूम ना था कि यहां जंगल में चश्मा किस तरफ है, अल्लाह तेरा करम हुआ तूने हमें पानी अता फरमाया जिसका नाम आबे जमजम है, जिसका नाम आबे जमजम है, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको मोहलत बीमारी लग जाए दवाई असर ना करे, डॉक्टर तबीब उसे जवाब दे दे अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। हजरत इस्माइल अल्लाह की भारिया में खड़े होकर तीन घूंट में उसे पानी पीले अल्लाह ताला से शिफा था। सुभान अल्लाह।
तो फौरन सजदा शुक्र अदा करने के बाद जब वो पानी कहने लगा, अरबी में जमजम कहते हैं ठहरने को, रुक जा। जमजम का माना रुक जा, जमजम का माना है रुक जा, अलमाउ जमजम। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ पानी रुक जा। फिर उसके इर्द गिर्द जहां से पानी निकलता है, जिसे हम अपनी जुबान में बाबरी कहते हैं या हम अपनी जुबान में देसी जुबान में गोदरी नाम जबर कहते हैं, तो हम उसके इर्द गिर्द रुकावटे बनाते हैं गोल दायरे की तरह। तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला ने गोल दायरे की तरह जो है वो बाबरी की शक्ल को जो है वो तश्कील दी। तो उस पानी से कौवे जो है, परिंदे जो है, वो पानी पीने लगे, पानी पीते उड़ जाते, पानी पीते उड़ जाते। और एक औरत है, एक बच्चा है, वह साथ में बैठे हवा अल्लाह कर रहे। बनी उमैया का एक काफिला वहां से गुजर हुआ जो 100 अफराद के ऊपर मुश्तमिल था, विद फैमिली, फैमिली के साथ काफिले का गुजर हो रहा था। उन्होंने देखा कि परिंदे बोल रहे हैं, प्यास उन्हें नहीं लगी हुई है, सफर में उन्हें भी पानी की तलाश है। अल्लाह ताला जरिए आबादी देखो कैसे बनाता है। तो जब वो पानी की तलाश में है, उन्होंने देखा कि ये परिंदे जहां बैठते हैं यहां यकीनन या तो कोई चश्मा होगा या इनके खाने का कोई बंदोबस्त होगा। तो एक आदमी में से चार आदमी गए, निकले, उन्होंने जाके देखा कि एक औरत है, एक बच्चा है उसके पास में, वो पानी है वहां। वापस गए, उन्होंने खबर दी काफिले को कि एक हसीन और जमील अल्लाह वाली औरत बैठी है, बहुत खूबसूरत उसकी गोद में बच्चा है, वो अल्लाह का करीम, उसके पास में एक चश्मा जारी है और वो पानी वहां से है, तो वे श्री पी गए। वो पूरा काफिला वहां से निकला, उन्होंने पानी पिया, सैराब हुए। फिर हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अनहा से इजाजत लेकर वही वकील हो अब आबादी बन गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ को कितना शर्फ मकबूल की, फौरन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई। आज दुनिया से सबसे हसीन और जमील, सबसे खूबसूरत और सबसे साफ सुथरा कोई भी फलूद हो, वो खाने काबा और मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। जो जाते क्या वहां गए या कारोबार के लिए लोग वहां गए, वहां मोहर लगती है, कोई भी चीज लेने वहां फ्रूट की जरा बराबर आपको तिनके बराबर वहां दाग वाली चीज नहीं मिलेगी। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है जो कयामत तक तो जहां सारी दुनिया में जाएगा, लेकिन खाना काबा के बाद तास वो भी तबाही के लिए नहीं जाएगी। अल्लाह ने कयामत तक खाना काबा और मदीनतुल मुनव्वरा की हिफाजत की जमाने जो है वो अपने जिम्मे ले। अब हम थोड़ा दूसरी तरफ आते हैं, 5 मिनट रह चुके हैं। कहां नबी का बेटा था, इतनी मेहनत के बाद माने पाला, जब 10 या 11 साल की उम्र हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बियाबान जंगल में डलवाया, उस आजमाइश में हजरत इब्राहिम को डाला। फिर जब बेटा जवान हुआ, 11 और 12 साल और 10 साल की तारीख है, या 10 साल उम्र थी या 11 साल या 12 साल, जब 12 साल या 10 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तस्लीम पहुंचे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम ने आबादी देखी, सफर दोबारा हुआ, ये बड़ी लंबी तारीख है। पर क्या जब उनको वापस लाया गया तो खुश हुई हजरत इब्राहिम को, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी कामयाब किया आजमाइश में और मेरे बेटे की परवरिश की, अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाया। फिर इल्हाम हुआ, एक दिन ख्वाब आई, दूसरे दिन ख्वाब आई, पहले दिन ऊंट कुर्बान किए, दूसरे दिन गाय की, तीसरे दिन बकरियां की, जानवर किए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इल्हाम हुआ कि जो तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज चीज है वो मेरी बारगाह में पेश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब बेटे से ज्यादा मुझे दुनिया में कोई अजीज नहीं, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे बेटे की कुर्बानी को तलब किया।
तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी बरहा सुना, ज़िलहिज्जा का महीना था, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को कुर्बान किया। वो मंशा इलाही अलग थी कि बेटे को कुर्बान करना मकसूद ना था, सिर्फ अजमाना था, लेकिन छुरी अकल काम नहीं करती है, तेज छुरी इंसान का जिस्म ना काटे और नरम गला गला जो है वो ना काटे। फिर उस छुरी से मुखातिब होकर फरमाया कि मैं काटने के लिए तैयार, मेरा बेटा कटने के लिए तैयार, और तरह तरह की आजमाइशों से अल्लाह ने हमें कामयाब भी किया, अब तू ही बची है कि तू भी मुझे आजमाती है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर मारा, पत्थर के दो टुकड़े हो गए, आज भी वो पत्थर हो चुके, पत्थर के दो टुकड़े हो गए। अकल ये चीज कबूल करती है कि छुरी पत्थर को काट दे कि इंसान का गला ना काटे, ये मंशा इलाही की। फिर जब तीसरी मरतबा छुरी चलाई तब बेटा उठा हुआ था तो सिवा जो है वो दुबा हो चुका। अल्लाह की बारगाह में हज़रत इब्राहिम ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्र बजा लाया, नाज़िक तूने मेरी कुर्बानी को भी कबूल किया, मुझे भी कामयाब किया और बनी इंसानियत को भी कयामत के लिए कयामत तक बचा दिया। बताओ सबसे अच्छा बेटा होता है, सबसे अच्छी उसके ऊपर परवरिश होती है, जो खूबसूरत होता है, हसीन होता है, तो हम बताओ कि अगर वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी लग जाती क्या हम उस आजमाइश को पूरा करते? हमारे लिए कितना बेटा, वो तो नबी है। तो जब हमें अल्लाह ताला हम साहिब निसाब होते, हमें बच्चों की कुर्बानी करनी मकसूद होती, हमें हुक्म होता कि हम कुर्बानी करते। ये जो बच्चों की कुर्बानी बची हुई थी आखिरी जुमला वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से कहे, इंशाअल्लाह अगले जुमला इस कुर्बानी से हमारा आवाज होगा, आपकी जल्दी आने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह डेढ़ बजे में भी पहुंचने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना कुल बता फरमाए, हमें पक्का और सच्चा नमाजी बनाए, जब तक जिंदगी है इस्लाम पर रखे और खात्मा ईमान पर फरमाए। वाहिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।